नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल में जय श्री राम पर संग्राम छिड़ा है, लेकिन उससे पहले इस समय एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और यह खबर कोलकाता से ही आ रही है, जहां कोलकाता हाई कोर्ट ने बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। यह बीजेपी के लिए राहत की खबर है और बीजेपी के लिए बड़ी राहत की खबर है कि रथ यात्रा पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ कह दिया है कि याचिका राजनीति से प्रेरित थी और इसीलिए इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। इस याचिका में यह कहा गया था कि बीजेपी की रथ यात्रा, परिवर्तन रथ यात्रा जो है, उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा पर रोक लगाने का कोई भी औचित्य नहीं है। पश्चिम बंगाल में चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं। बीजेपी ने ममता सरकार को हटाने की मुहिम को काफी तेज कर दिया है और इसी राजनीतिक संग्राम को धार देने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं। कूचबिहार की रैली में अमित शाह ने जय श्रीराम की हुंकार भरी और ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमले किए। पश्चिम बंगाल में ममता के किले को ध्वस्त करने के इरादे से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रविवार को हल्दिया में पीएम मोदी ने सूबे को 5,000 करोड़ की सौगात दी तो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ यात्रा की शुरुआत करने के बाद डटे रहे। वहीं अब एक दिन की यात्रा पर गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी है और गगन भेदी नारा लगाई है, जय श्री राम, जय श्री राम। क्यों ममता दीदी, आपको क्यों अपमान लगता है? पूरा देश और देश दुनिया भर में फैले हुए करोड़ों लोग हमारे आराध्य श्री राम को याद कर गौरव महसूस करते हैं, गौरव। मगर आपको तकलीफ होती है क्योंकि आपको तुष्टिकरण कर एक वर्ग विशेष के वोट चाहिए। क्यों भाई, इनके वोट नहीं है क्या? ये सभी तो जय श्री राम बोल रहे हैं। मैं आपको वादा कराता हूं, चुनाव समाप्त होते ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती हो जाएगी, आप चिंता मत करिए। अपने एक दिन के दौरे की शुरुआत अमित शाह ने कूचबिहार से की। जय श्री राम के बहाने अमित शाह ने एक बार फिर ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टिकरण पर निशाना साधा। वहीं ममता बनर्जी को फेल मुख्यमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि वो गुंडों के दम पर चुनाव जीती हैं। चुनाव जीतने के लिए उनको आप लोगों की जरूरत नहीं है, उनके पास गुंडे हैं, गुंडे उनको चुनाव जीता देंगे ऐसा मानती है। मगर मैं कहने आया हूँ ममता दीदी, ये बंगाल का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपके दंगा प्रमुख गुंडों के सामने मेरी भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख लड़ाई लड़ने वाला है, बूथ का कार्यकर्ता लड़ाई लड़ने वाला। परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण को हरी झंडी दिखाने कूचबिहार पहुंचे अमित शाह ने केंद्र की योजनाएं लागू न करने पर भी ममता बनर्जी को घेरा। वहीं आरोप लगाया कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के विकास में नहीं भाई भतीजावाद में दिलचस्पी है। मोदी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, ममता सरकार भतीजे कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दिन रात ध्यान एक ही चीज में है कि कब मेरा भतीजा मुख्यमंत्री बन जाए, कूचबिहार में अमित शाह ने ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर में पूजा की थी। यहां से उन्होंने उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर का रुख किया। अगले चुनावों में ठाकुर नगर बीजेपी के लिए बेहद अहम साबित होगा। यहां रहने वाले मतुआ समुदाय के लिए नागरिकता का मुद्दा बेहद अहम है। बंगाल में 27% आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति की है। इनमें मतुआ बिरादरी का अच्छा खासा हिस्सा है। ये लोग बांग्लादेश से आए दलित हिंदू शरणार्थी हैं। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों के नतीजों पर ये असर डाल सकते हैं। बीजेपी इनके जरिए अल्पसंख्यक वोटों की कमी पूरा करना चाहती है। माना जा रहा है कि अल्पसंख्यक ममता के साथ हैं।
हालांकि इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में मुस्लिम धर्मगुरु और अब अपना दल बना चुके अब्बास सिद्दीकी ने दावा किया कि ममता के राज में मुसलमानों का विकास नहीं हुआ। जो साचार कमेटी रिपोर्ट 2006 में जो निकला हुआ था उसके हिसाब से ममता बनर्जी ने बोले थे जो वो काम हम पूरा करेंगे, मगर अभी तक पूरा नहीं हुआ। और दूसरा 2007 में रंगनाथ मिश्र कमेटी जो निकला हुआ था, जो ये निकले थे, उसको भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब्बास सिद्दीकी ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, जिससे ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है। वहीं बीजेपी ममता पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाकर हिंदुओं को अपने साथ जोड़ने में जुटी है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। जय श्री राम का नारा सुनते ही ममता बनर्जी भड़क जाती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इससे अपनी चुनावी मुहिम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। हुगली में बीजेपी कार्यकर्ता श्री राम लिखा मास्क बांट रहे थे और तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। जय जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम पर सियासत तेज हो गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। अमित शाह मंच से जय श्री राम का नारा लगा रही है। जय श्री राम। दूसरी तरफ आरोप है कि जय श्री राम लिखा मास्क बांटने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये तस्वीर बंगाल के हुगली की है। आरोप है कि जय श्री राम लिखे मास्क बांटने पर पुलिस ने 19 बीजेपी और आरएसएस समर्थकों को हिरासत में ले लिया। एक्शन में आई पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उन्हें जबरन जीप में बिठा लिया। दूसरी तरफ आसपास मौजूद लोग लगातार जय श्री राम के नारे लगाते रहे। हुगली की इस घटना पर बीजेपी एक्शन में आ गई। बीजेपी नेता और आईटी सेल ने इस वीडियो को ट्वीट कर ममता सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया, ममता की दमनकारी नीति के खिलाफ शेरदिल कार्यकर्ता का आंदोलन, राम नाम के मास्क बांटना भी क्या अपराध है। वही कूच बिहार में अमित शाह ने पूछा, क्या जय श्री राम का नारा लगाना गुनाह है। कितनी लंबी सूची है, क्या गुनाह था इनका। जय श्री राम का नारा लगाते थे, भारत माता की जय का नारा लगाते थे, वंदे मातरम का नारा लगाते थे, और आपके गुंडों ने इनको मार दिया है। इस बार बंगाल की जनता इसका हिसाब किताब करने के लिए आतुर है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मंच पर नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। बंगाल में राम के नाम पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 23 जनवरी को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर हुए समारोह में जय श्री राम के नारे लगे तो ममता बनर्जी आपा खो बैठी। प्रधानमंत्री के सामने ही वो गुस्सा जताते हुए मंच से उतर गईं। लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी पहली बार नहीं तमतमाई। 31 मार्च 2019 को तो ममता गाड़ी रोककर जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर भड़क गई थी। ममता इस नारे से गुस्सा रही है तो बीजेपी इसे और धारदार बनाती रही है। ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या, मुझे बताओ भाइयों। बंगाल के रण में बीजेपी जहां राम के नाम को आगे बढ़ा रही है, वहीं टीएमसी ने इसमें रावण का एंगल जोड़ दिया। ममता के मंत्री ने बीजेपी पर रावण वाली हरकतों का आरोप जड़ दिया। রাবণ যখন এসেছিল মাস্কটাকে
বেশ পড়েছিল, নির্মা বেশ পড়ে এসেছিল সাধুর রূপে, ভিক্ষান্তেহী ভিক্ষে দিতে এসে তাকে হরণ করে নিয়ে গেল। সুতরাং সব গেরুয়া পরে থেকে সে রাম হতে পারে না, রাম আছে। बंगाल में तृणमूल और बीजेपी सियासत के दो विपरीत धुर हैं। ममता की पार्टी मुसलमान वोट की सियासत कर रही है तो बीजेपी बहुसंख्यक हिंदुओं को साधने में जुटी हुई है। हुगली से भोलानाथ साह के साथ पौलमी साहा, कोलकाता आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।